नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम में, वो है बफर सॉल्यूशन. और बफर सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज ऑफ पीएच ड्यूरिंग ड्यूरिंग ए स्मॉल डायल्यूशन एंड ऑन एडिंग एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. ये भी स्मॉल अमाउंट में ही मिलाया जाता है ना, ठीक है? ये भी स्मॉल अमाउंट में ही मिलाएंगे. बहुत ज़्यादा मिला देंगे तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है उसी का नेचर आ जाएगा, है ना? स्मॉल अमाउंट में ही ऐड करते हैं. ओके, तो ये तो हमारा बफर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है. जैसे सॉल्यूशन अभी तक आपने पढ़े हैं उस तरीके से ये बिहेव नहीं करते हैं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करेंगे, है ना? अभी तक जैसा आप पढ़ते आए, पूरा टॉपिक दो पार्ट में डिवाइडेड है. बफर सॉल्यूशन अलग है और अभी तक जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस था तक पढ़ा था वो डिफरेंट है, यहाँ से डिफरेंट चलेगा. नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लिखेंगे और वो है टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन. टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन कितने तरीके का होता है. सो टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन में है जैसे एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, दूसरा है बेसिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन, तीसरा है सॉल्ट बफर सॉल्यूशन, तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन और सॉल्ट बफर सॉल्यूशन इस तरीके से रहेगा, है ना? तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होगा, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं. एक काम करता हूँ, सॉल्ट बफर सॉल्यूशन क्योंकि मैं कवर कर चुका हूँ पहले ही, ये वाला कंप्लीट हो चुका है आपकी क्लास में. ये जो होता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट पढ़ाया था, है ना? उसका पीएच का फॉर्मूला याद है, पीएच इक्वल टू क्या था, 7 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ पीके माइनस पीकेबी होगा, है ना? तो पीके और पीकेबी जो है ना उसमें क्या रहेगा, ये तो कॉन्स्टेंट है, ये तो टेम्पर डिपेंडेंट है, तो इसका पीएच कैसा बना रहेगा, कॉन्स्टेंट बना रहेगा, चेंज ही नहीं होगा डायल्यूशन वगैरह करने पर. सी है ही नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है ना, तो ये केवल टेम्पर डिपेंडेंट हो जाएगा. तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस भी किस तरीके से वर्क करता है, है ना? हाँ, इट वर्क एज अ बफर सॉल्यूशन, वर्क एज अ बफर सॉल्यूशन, ये बफर सॉल्यूशन की तरह काम करता है. तो ये तो हमारा हो गया एसिडिक, और इसके सॉल्ट बफर तो हमारा कंप्लीट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना? नाउ विल डिस्कस अबाउट द एसिडिक बफर सॉल्यूशन, है ना, कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन का किस तरीके से रहेगा. सो एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच कैसा आएगा, कैसे पहचानोगे? 7 से छोटा आएगा, है ना? जरूरी नहीं है, है ना? एक एसिडिक बफर का पीएच कैसा आ सकता है, 7 से ज्यादा भी आ सकता है. मैंने कहा ना ये वैसे बिहेव नहीं करते जैसे अभी तक आप पढ़ते आए हो सॉल्यूशन, है ना? एन एसिडिक बफर में है पीएच मोर देन 7, पहली बात तो आप ये कर लीजिए, ठीक है? एन एसिडिक बफर, एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन मे हैव पीएच मोर देन 7, ठीक है? 7 से ज्यादा पीएच हो सकता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन का. तो फिर इसका मतलब है कि पीएच से हम लोग एसिडिक बफर नहीं पहचानेंगे, है ना? क्योंकि पीएच का वैल्यू 7 से ज्यादा भी हो सकता है, 7 के बराबर भी हो सकता है, 7 के कम भी हो सकता है. तो पीएच से हम लोग नहीं पहचानते कि वो एसिडिक बफर होगा या बेसिक बफर होगा. तो फिर कैसे पहचानोगे? उसको पहचानने का तरीका यह है, एसिडिक बफर के लिए क्या चीज चाहिए होता है. एसिडिक बफर इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ, इज द सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट, सॉल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस. एसिडिक बफर सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस, ठीक है?
ये है बेसिकली, एक तो उसमें वीक एसिड होगा, वीक एसिड जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर वीक एसिड होगा जैसे CH3COOH, ये वीक एसिड हो गया। अब इसका क्या है, सॉल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। हाँ, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो कौन है, CH3COOH-। सॉल्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा, CH3COOH, ये सॉल्ट ही तो था, है ना। तो इस तरीके से रहेगा। ओके, जैसे मान लो ये ले लेते हैं हम लोग, कौन सा HCN, ये वीक एसिड है, इसका सॉल्ट कौन सा हो जाएगा, NaCN, ये इसका सॉल्ट हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट। CN- N इसका कॉन्जुगेट है और Na+ N के साथ है तो वो सॉल्ट है ना भाई। NaCN कैसे बना होगा, HCN को न्यूट्रलाइज करके ही बना होगा, है ना, इस एसिड को NOS में मिलाया होगा तभी तो ये बना होगा, है ना, तो ये सॉल्ट माना जाएगा। आ रही बात समझ में, इस तरीके से। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिन पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर ये बफर सॉल्यूशन की, एसिडिक बफर सॉल्यूशन के को क्वालिफाई कर रहे हैं। एसिडिक बफर सॉल्यूशन कौन सा मिक्सचर क्वालिफाई करेगा, जिसमें एक वीक एसिड होगा, ठीक है, वीक एसिड होगा और उसके कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट होगा, ये दो चीज़ें क्वालिफाई हो जाएंगी तो हम लोग बोल देंगे कि एसिडिक बफर होगा, ठीक है। ये नोट हो गया सबका इधर वाला। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि pH इक्वेशन कैसे बनेगी इसकी, है ना, इक्वेशन किस तरीके से बनती है, पहले उस पर काम करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वीक एसिड, अगर वीक एसिड ही अपन बहुत सारा मिलाए तो भी तो चेंज हो जाएगा पीएच। वीक एसिड पीएच मिलाएंगे तो, नहीं, हाँ आपने लिखा है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाए अपन, कहाँ मिला है स्ट्रॉन्ग एसिड, इसके अंदर बफर सॉल्यूशन में तो रेजिस्ट करता है पीएच, हाँ तो अगर वीक एसिड मिलाए तो नहीं, एक्चुअली क्या होगा कि वीक एसिड मिलाओगे ना तो जो ऑलरेडी ये प्रेजेंट है ना, ये वाले ये आयनाइज ही नहीं होने देंगे, वो वैसे ही बहुत कम है। वीक एसिड में आप ये सोच सकते हो कि यार वीक एसिड तो वैसे ही आयनाइज ज़्यादा नहीं होता, वो नहीं करेगा पीएच चेंज। मैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाने की बात भी कर रहा अगर हूँ, अपन वीक एसिड ही बहुत सारा मिला है। नहीं उससे तो बहुत सारे मिलाएंगे तो और कम होएगा, क्योंकि वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने पर अल्फा और कम होता है उसका, वो तो तुम्हारे लिए और अच्छा नहीं है, लापन है ना उस तरीके, वो और आयनाइज नहीं करेगा और ज़्यादा इतना साइन नहीं देगा, वो तो और इशू रहेगा, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पर अब हम लोग इक्वेशन ऑफ पीएच की बात करते हैं, पीएच इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, पीएच इक्वेशन, इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर सॉल्यूशन। पीएच इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर सॉल्यूशन, सो एसिडिक बफर सॉल्यूशन का जो पीएच इक्वेशन है उसमें क्या रहेगा, आप देख लो, मैं क्या करता हूँ, CH3COOH की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C1 mole per liter मान लेता हूँ, और जो CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन है उसको मैं C2 mole per liter मान लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों में से एक 100% डिसोसिएटेड है, बता सकते हैं कौन है वो, ये सॉल्ट 100% डिसोसिएटेड, क्यों ना उसको हम डिसोसिएट करा लें, CH3COOH को 100% डिसोसिएशन करा लिया जाए और क्या बना लिया जाए, CH3COOH- ion और Na+। तो इसका जो C2 mole per liter है पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये कितना बना देगा, C2 molar बना देगा, और ये C2 molar बना देगा। ये आपको पता है स्पेक्टेटर आयन होता है, ऐसे केमिस्ट्री में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, एक्वस मीडियम में ही पड़ा रहेगा। नौ जो CH3COOH है जो कि वीक एसिड है वो कंप्लीट डिसोसिएट तो नहीं हो सकता, लेकिन होगा तो कुछ ना कुछ आयनाइज, अगर मीडियम एक्वस है तो होगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था पहले, C1, तभी आयनाइज नहीं हुआ था, फिर कुछ समय के बाद ही आयनाइज हुआ, C1- X हुआ, एक्स हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। एक काम हम और करेंगे, क्या करेंगे, प्लस C2 करेंगे, क्यों, यहाँ से भी तो आ रही है और ये स्ट्रांग है, ये वीक है, क्या लग जाएगा, एक्स निगलेक्ट लग जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा, और आप क्या बोलोगे कि सॉल्यूशन में जो एसिटेट आयन कॉन्सेंट्रेशन है इट इज़ गवर्न बाय द सॉल्ट, है ना, जो एसिटेट आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो किससे गवर्न की जाएगी, वो सॉल्ट से गवर्न की जाएगी, ठीक है। एसिटेट आयन कॉन्सेंट्रेशन इज गवर्न बाय द सॉल्ट, सॉल्ट से जो है ना वो गवर्न की जाएगी एसिटेट आयन कॉन्सेंट्रेशन।
तो जब आप इसको निगलेक्ट करोगे तो यहाँ पे दो अप्रॉक्सीमेशन होते हैं एक्चुअली, ये भी निगलेक्ट हो जाएगा और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, इसके कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये भी जो है ना, ये भी निगलेक्ट हो जाता है, बहुत डिसोसिएशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पे एक तरह से दो अप्रॉक्सीमेशन पे हम लोग वर्क कर रहे होते हैं, है ना। अगर बता रहा हूँ, अब अगर हम अप्रॉक्सीमेशन की बात करें तो अप्रॉक्सीमेशन में एक पहला अप्रॉक्सीमेशन हमने क्या किया कि टोटल सी एस थ्री सी डबल ओ माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इज गवर्न बाई सॉल्ट। तो हमने क्या किया, सी एस थ्री सी डबल ओ माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो थी, जो कि सी टू प्लस एक्स थी, उसे नियरली क्या मान लिया, सी टू मान लिया, और एक्स को क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। दूसरा हमने अप्रॉक्सीमेशन जो किया हुआ है, ये हटा दू ना, दूसरा अप्रॉक्सीमेशन हमने जो किया हुआ है वो ये किया हुआ है कि वीक एसिड, वीक एसिड कौन सा, मतलब सी एस थ्री सी डबल ओ एच अज्यूम टू बी कंप्लीटली अनडिसोसिएटेड, अनडिसोसिएटेड माना हुआ है, ठीक है। मतलब सी एस थ्री सी डबल ओ एच को हमने कॉन्सेंट कितना लिखा था, सी टू सी वन माइनस एक्स लिखा था, ये सी वन माइनस एक्स लिखा, यहाँ देखो, ठीक है। इस सी वन माइनस एक्स को अपन ने नियरली कितना कर लिया है, सी वन कर लिया, इसे क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया है। और ऐसा कर सकते हो क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, ये वीक एसिड है और वीक एसिड पर अच्छा खासा आपने क्या कर रखा है, सॉल्ट मिला रखा है, ठीक ठाक कंसंट्रेशन होती है, है ना। दोनों का रेशियो 10 से ज़्यादा या 10 से कम एक्सीड नहीं, मतलब कम करोगे तो इतना कम नहीं कर सकते कि इससे इससे 10 मोलर से कम हो जाए। जैसे अगर इसका 10 मोलर, इसका 1 मोलर चाहिए होगा मिनिमम, 1 से पीछे नहीं जाओगे, पीछे नहीं जा सकते आप, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब ठीक ठाक कंसंट्रेशन होती है। सेम ही आयन तो है, सी एस थ्री सी ओ एच का डिसोसिएशन इसकी प्रेजेंस में कम हो जाएगा। कॉमन आयन इफेक्ट तो यही था ना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में वीक का आयनाइजेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसीलिए हमने इसे कैसा मान लिया है, अनडिसोसिएटेड मान लिया है। तो इसकी प्रेजेंस में ये अजम्पशन क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। इसकी प्रेजेंस में ये जो है ना, इसकी प्रेजेंस में, सॉल्ट की प्रेजेंस में ये वाला अजम्पशन क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब इसमें क्या करना है कि जो हमारा के है, बेसिकली ये इक्विलिब्रियम बन रहा है, इसका इक्विलिब्रियम बन रहा है, तो इक्विलिब्रियम बनेगा तो इसका के भी होगा, और वो के किसके बराबर है, वो है सी एस थ्री सी डबल ओ माइनस आयन के और एच प्लस आयन के, और किसके बराबर है, सी एस थ्री सी डबल ओ एच के, ठीक है। के जो होगा वो क्या होगा, के जो होगा ये क्या बन जाएगा, बोलो, सी टू बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, सी वन बन जाएगा, और एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगा, बन जाएगा। एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं, आप ये सोच रहे हो, आप देखो मैंने अज्यूम किया है कंप्लीटली अनडिसोसिएटेड मैथमेटिकली, आ तो रहा ही होगा कुछ ना कुछ, तो पास हो रहे हैं आप यार। हम लोग थ्योरेटिकली चीज़ें बनाना चाह रहे हैं, प्रैक्टिकली जो है वो तो उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो कोई अगर आप अजम्पशन नहीं करोगे उस पर थ्योरेटिकल ग्राउंड पे जाके, तो आप कुछ इक्वेशन ही नहीं बना पाओगे। तो ये हमने क्या किया, हाँ आया होगा, आया तो है, बट हमने क्या किया है, हमने इसके रिस्पेक्ट में जीरो कर लिया, है ना। डिसोसिएट तो हुआ है, लेकिन हमने क्या किया, उसको मान लिया अनडिसोसिएटेड मैथमेटिकली का चल रहे हैं अपन, क्योंकि इक्वेशन बनानी है अपने को, है ना, ये चीज है। तो नाउ इस वाले पार्ट पर अब अगर हम यहां से जाएं और हम लोग एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल के लाएं, तो क्या आएगा, के टाइम्स ऑफ सी वन अपॉन सी टू कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। ठीक है, सो एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो क्या बन जाएगा, एक तो आप ये फॉर्मूला याद रख लिया, सी वन किसकी कॉन्सेंट्रेशन रखी थी हम लोगों ने, सी एस सी डबल ओ एच की कॉन्सेंट्रेशन,
और ये सी टू किसकी थी, सी एस थी, सी डबल ओ एन ए की कॉन्सेंट्रेशन। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि इक्वल टू एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन। कभी कभी पीएच ना निकालने के लिए, निकालने की जगह पे आपसे डायरेक्टली एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पूछेगा, तो बस आपको इमीडिएटली क्या करना है, एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन करके के ऑफ एसिड अपॉन सॉल्ट, डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला स्ट्राइक होना चाहिए, ड्राई डेरिवेशन नहीं करना है। डेरिवेशन मैं इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आप डायरेक्ट जब फॉर्मूला लगाएं तो आप कॉन्फिडेंटली कर लगाएं उस फॉर्मूले को। डेरिवेशन से केवल इतना आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये ड्राइव किया गया है तो ये परफेक्ट फॉर्मूला है ना। हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे लॉग ले लेंगे, नेगेटिव लॉग ले लीजिए, माइनस साइन के साथ लॉग ले लीजिए, तो माइनस लॉग के आएगा, माइनस लॉग ऑफ एसिड कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन आएगा। तो ये पीएच हो जाएगा, ये पीके हो जाएगा, ये माइनस साइन को कंज्यूम कर लीजिए तो प्लस लॉग सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। सो ये इक्वेशन बन गया, दैट कॉल हंडरसन इक्वेशन, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। और कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखा जाता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम से। तो आप क्या करोगे, पीएच इक्वल टू क्या लिखोगे, पीके प्लस लॉग, यहाँ देखो बोर्ड पे, मोल्स ऑफ सॉल्ट अपॉन वॉल्यूम, मोल्स ऑफ वीक एसिड अपॉन वॉल्यूम, ये लिखोगे। तो वॉल्यूम तो सॉल्यूशन तो एक सेम ही होगा, ये कैंसिल हो जाता है भाई। मैं इसलिए बताऊं ताकि आप न्यूमेरिकल में मोल में ही काम कर लीजिए, वॉल्यूम मत डिवाइड करिए। न्यूमेरिकल्स में आप चाहो तो मोल्स पुट कर कर भी आपका पीएच आ सकता है, आपको वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कैंसिल आउट हो जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वीक एसिड, ये वाला फॉर्मूला भी क्वालिफाई कर जाएगा। क्योंकि हम लोग बात करते हैं एक्वस मीडियम में, तो एक्वस मीडियम में डेटा मोस्टली किस में देखने को मिला आपको, हाँ वाटर में, एक्वस मीडियम में क्या मिला आपको, मोस्टली डेटा मोलरिटी और वॉल्यूम इन एमएल का मिलता है, बोलता है मिलता है, नहीं मिला दिया मैंने कई बार। तो मोलरिटी और वॉल्यूम इन एमएल को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, हाँ मिली मोल्स ऑफ द सोल्यूट, मिली मोल्स मिल जाएंगे उसी सब्सटेंस के, ठीक है। तो कभी कभी यहाँ पर आप इंटू अगर आप यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई करो, यहाँ 1000 मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, मिली मोल्स बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा बोलो, तो क्या बन जाएगा, पीएच बराबर क्या बन जाएगा, पीके। सारी बातें बता रहा हूँ ताकि न्यूमेरिकल में आप बिल्कुल अच्छे से कर पाओ। क्या लिखोगे यहाँ पे, मिली मोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय मिली मोल्स ऑफ वीक एसिड। कभी कभी आपका ये फॉर्मूला भी लग जाए, सिलेक्शन आपके ऊपर, डेटा देखिए और फॉर्मूले का सिलेक्शन कीजिए। एक ही फॉर्मूले के कई सारे फॉर्म हैं, लेकिन अगर हमें पता रहता है तो हम लोग एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी बचा लेते हैं अपने एग्जाम में। तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीके प्लस लॉग क्या हो जाएगा, एम वन वी वन किसका, सॉल्ट का, और एम टू वी टू किसका, वीक एसिड का। क्योंकि मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन एमएल क्या होता है, मिली मोल्स होता है, इस तरीके से। आ रहा बात समझ में, तो ये हमारे पीएच का इक्वेशन जो है ना वो बन गया, इस तरीके से करेंगे। अब हम इस पे क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और चीजों को और समझते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, यू आर गिवन अ बफर सॉल्यूशन हैविंग सी एस थ्री सी डबल ओ एच कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू
0.1 मोलर CH3COONa कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 0.1 मोलर के दिया हुआ एस्टिक एसिड का 1.8 × 10⁻¹⁵, इसका अगर आप पीके लाओगे तो मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, वो 4.74 आता है। कभी कोई 4.75 भी मिल सकता है, 4.74 मैं यूज़ करता हूँ। ये क्वेश्चन है, अब इसके हम लोग कई सारे पार्ट करेंगे। तो इसका पहला पार्ट है फाइंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन। बताइए सभी लोग कर पाएंगे? बहुत आसान क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूले का एप्लीकेशन, पीएच बराबर पीके प्लस लॉग, सॉल्ट अपॉन एसिड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और दोनों की कॉन्सेंट्रेशन हमने आपको दे रखी है, पीके में कितना पुट करोगे 4.74 प्लस लॉग कितना आएगा 0.1 अपॉन 0.1 इज 4.74। सो पीएच की वैल्यू जो आएगी 4.74 आएगी, है ना, जो अभी दिया गया है सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, और वो है फाइंड पीएच आफ्टर 10 टाइम्स डाइल्यूशन। फाइंड पीएच आफ्टर 10 टाइम्स डाइल्यूशन। 4.74। 10 टाइम्स डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ? 10 टाइम्स डाइल्यूशन का क्या मतलब हुआ? हाँ, 10 टाइम्स कम हो जाएगी, मतलब अगर 1 ml था तो आपने 10 ml कर दिया, 1 लीटर था तो आपने पानी मिला के 10 लीटर कर दिया, 100 ml था तो आपने 1000 ml कर दिया। तो वॉल्यूम आपको पता है कॉन्सेंट क्या था, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। 10 टाइम्स डाइल्यूशन का मतलब वॉल्यूम 10 गुना कर दिया, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी। तो CH3COOH जो हमारे पास है, ठीक है, उसकी नई कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी, पहले कितनी थी 0.1, अब कितनी हो जाएगी 10 कितना हो जाएगा 0.01 मोलर, ठीक है। और CH3COONa की जो न्यू कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा 0.1/10 इक्वल टू 0.01 मोलर, ठीक है। तो वही मैंने तो आपको देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, पढ़ो पीके प्लस लॉग, फिर से आप ये कॉन्सेंट्रेशन लगाओगे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड, तो 4.74 प्लस लॉग 4.74 में का वैल्यू पुट कर लो। सो पीएच का फॉर्मूला क्या आएगा, 4.74 प्लस लॉग 0.01 डिवाइड बाय 0.01। सो पीएच बराबर क्या हो जाएगा, 4.74 हो जाएगा, ठीक है। डाइल्यूशन करने के बाद भी पीएच कितना आया, सेम आया, ठीक है। और अगर मैं इसकी जगह पे आपको ये देता, देखो बोर्ड पे 0.1 मोलर HCl का पीएच कितना बताते हैं आप, 1 बताते हैं। अब इसको 10 टाइम डाइल्यूट कर दो तो कॉन्सेंट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब पीएच कितना आएगा, बदला ना बदला, यहाँ तो नहीं बदला, यहाँ तो बदला ना। तो इस तरीके के जो नॉर्मल सॉल्यूशंस आपने पढ़े थे पहले, उनमें बदलता है डाइल्यूशन से पीएच, यहाँ नहीं बदल रहा। 10 टाइम डाइल्यूशन तो ठीक ठाक डाइल्यूशन है। अगर आप बहुत और आपको सर अगर और कर दें तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन करोगे ना तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं रहेगा, ये बनेगा ही नहीं। क्यों, पीएच बराबर पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड में एक्चुअली क्या वॉल्यूम कैंसिल हो रहा है, और इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, n/v/n/v, तो वहाँ तो आपने तो वी बढ़ाया ना, तो वी तो कैंसिल होता है इस फॉर्मूले में, सोल्यूट थोड़ी ना मिलाया आपने, पानी मिलाया, और पानी वाला पार्ट तो कैंसिल हो रहा है वॉल्यूम वाला पार्ट, इसलिए पीएच का वैल्यू कैसा निकल के आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर ये रेशियो ना रहे तो वॉल्यूम कैंसिल नहीं होगा। तो आपको याद है मैंने अभी इससे पहले वाले जब मैं अप्रोक्सीमेशन लिख रहा था
उस अप्रोक्सीमेशन में मैंने दूसरा अप्रोक्सीमेशन कौन सा लिखा हुआ है, पढ़ो अपनी कॉपी में। हाँ, वीक एसिड अज्यूम टू बी कम्प्लीटली अनडिसोसिएटेड। अगर आप बहुत ज़्यादा वाटर मिलाओगे तो उसका अल्फा क्या होगा, बढ़ जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इंक्रीजेज ड्यूरिंग डायलूशन, ओस्ट वॉल ऑफ डायलूशन बढ़ जाएगा। तो फिर वो आप एक्स निगलेक्ट नहीं कर पाओगे, सी वन माइनस एक्स में एक्स निगलेक्ट नहीं होगा। अरे बस हो सकता आगे भी ना हो, सी टू प्लस एक्स में हो सकता है एक्स निगलेक्ट ना हो। अरे बस समझ में, तो ठीक ठाक डायलूशन अगर इतना ही बहुत है बस, ठीक है इसमें बहुत है इतना, 10-20 times 30 times इज ओके। अगर कोई 100 times वगैरह जा रहा है तब कंसर्न काफ़ी कम कर रहा है, तब हो सकता है अल्फा निगलेक्ट नहीं होगा। लेकिन इन सब मैथमेटिकल डिफिकल्टी में आपको लोग फंसाते नहीं है ना, ये सब मैथमेटिकल डिफिकल्टी में नहीं फंसाएंगे क्योंकि ये तो मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, कंसेप्ट का पार्ट नहीं। क्योंकि बफर सोल्यूशन में इतना सारा कंसेप्ट है ना, इतना चीज़ें हैं पूछने लायक, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं पूछने लायक कि आपको वहाँ से पूछेंगे, है ना। आप ये सोचो कि आपको इस 100 इक्वेशन में फंसा देंगे तो नहीं करेंगे ऐसा, है ना। लेकिन पहले बहुत पहले ऐसे क्वेश्चन बनाया करते थे, सब्जेक्टिव वगैरह जब हुआ करता था तब कभी आते थे, तब किए हैं, करवाए भी हैं, पहले होते भी थे स्टडी मटेरियल में, सीट वगैरह में देते भी थे, फिर धीमे धीमे हटा दिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव होने लगा, चीज़ें उस तरीके की आने लगी तो उस तरीके से करने लगे हम लोग। आ रहा है बस समझ में, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी डिज़ाइन किए हुए हैं, ये हटा दूँ कोई दिक्कत नहीं आपको, है ना। तो आप लोगों को ये फील आ रहा है इस एग्जाम्पल से कि बफर सोल्यूशन इन जैसा सोल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है, बफर सोल्यूशन कुछ डिफरेंट तरीके के ही सोल्यूशन होते हैं। अरे बस समझ में, तो ये रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे, फाइंड चेंज इन पीएच व्हेन 0.01 मोल HCl इज एडेड। आप एक छोटा सा काम और कर लीजिए, यू आर गिवेन बफर सोल्यूशन। यहाँ पे एक काम करो, एक चीज़ और मेंशन कर लो, सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है ना वो आप 1 liter मेंशन कर लो, है ना। तो 0.01 मोल नहीं, मैंने पूछा है तो आपको बताना पड़ेगा, है ना। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड चेंज इन बोला गया है तो आपको बताना पड़ेगा, फाइंड चेंज इन पीएच व्हेन 0.01 मोल HCl इज एडेड, है ना। अब जरा यहाँ पे एक डिस्कशन है, सब लोग सुनोगे, ठीक है, सुनो पहले तो डिस्कशन सुनो, वो इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल इज नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वो आप कर लोगे, वो मैं बता दूंगा। तो ये जो मैं समझाऊंगा वो जरूरी है, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, क्या एक एसिड और एक बेस आपस में एक सॉल्यूशन में साथ में रह सकते हैं क्या? क्या एक एसिड और एक बेस सॉल्यूशन में साथ में रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट कर जाएंगे, ये सुनो, है ना। तो आप उनको नहीं, मतलब सेफली प्लेस नहीं करते, दे विल रिएक्ट, वो रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो बफर सॉल्यूशन है उसमें एसिड और बेस साथ में रह रहे हैं, देखो ध्यान से, दिख रहा है क्या मेरी बात सही है? बफर सॉल्यूशन में एसिडिक कंपोनेंट और बेसिक कंपोनेंट दोनों साथ में हैं, सही है, है? इसको ये कैसा है नेचर इसका, इसका बेसिक क्यों होता है? का सॉल्ट है जिसमें एनायनिक हाइड्रोलिसिस होती है, इज अ कॉन्जुगेट बेस, इसका कॉन्जुगेट बेस है। तो ये बात सही है कि एसिड और बेस आपस में साथ में नहीं रह सकते एक सॉल्यूशन में, लेकिन ये वाली बात भी सही है कि अगर वो आपस में कॉन्जुगेट है तो रह सकते हैं क्योंकि वो है उसी का पार्ट, कॉन्जुगेट में रह सकते हैं, है ना, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं, कॉन्जुगेट हैं। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर एक सॉल्यूशन में एक साथ रह सकते हैं क्योंकि वो एक ही फैमिली का पार्ट है, डन। तो यार बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें एसिडिक पार्ट भी है और बेसिक पार्ट भी है, तो जब आप एसिड मिलाओगे तो कौन कंज्यूम कर लेगा? बेस, और बेस मिलाओगे तो एसिड, इसलिए पीएच में उतना परिवर्तन नहीं आता जितना आना चाहिए,
लेकिन अगर एसिड मिलाओ और एसिड एसिड ही पड़ा ही रहे तो वो फिर अपना इफेक्ट दिखाएगा, अगर सॉल्यूशन में है मेंटेन रखा, अगर रखा हुआ है बेस मिलाया और बेस ऐसे ही पड़ा हुआ है पानी में तो फिर तो वो अपना इफेक्ट दिखाएगा यार। लेकिन अगर आप उसे कंज्यूम करा दो तो उसका इफेक्ट मिनिमाइज तो होगा कम से कम। लेकिन पीएच तो उन दोनों के रिजल्टेंट से आ रहा है। हाँ तो वो कैसे आएगा वो देखो अभी ना उस तरीके बताता हूँ। मतलब मैं मेरी इस बात से आप एग्री करते हो कि नहीं करते हो कि बफर सॉल्यूशन में एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट दोनों हैं, इस बात से एग्री करते हो? एसिड मिलाओगे तो कौन कौन कंज्यूम करेगा, बेस और बेस मिलाओगे तो कौन करेगा? एसिड। इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको आगे समझाता हूँ। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमने क्या मिलाया हुआ है? एसिड मिलाया हुआ है ना। फिलहाल हमने इस क्वेश्चन में एसिड मिलाया हुआ है तो इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे वो देखो। एसिड को कौन कंज्यूम करेगा? बेस यहाँ पे कौन है? CH3 CuNa है ना। तो कैसे काम करोगे देखो, तो आप अपनी कॉपी में प्रेजेंट करो CH3 COONa जो होगा वो HCl से रिएक्ट करेगा, क्या बना के देगा? CH3 COOH+ NaCl, ठीक है। बिफोर रिएक्शन क्या होगा? बिफोर रिएक्शन यहाँ पे क्या था? ये हमारे पास 0.1 मोल था क्योंकि मैंने वॉल्यूम 1 लीटर ले लिया है तो 0.1 मोल पर लीटर हो जाएगा। ये हमने कितना मिलाया था? 0.01 मोल मिलाया था। ये हमारे पास कितना था? 0.01, सॉरी 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 0.1 मोल, 0.1 मोल था। ये अभी बना ही नहीं है, कुछ है नहीं। बिफोर रिएक्शन ये भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। आफ्टर रिएक्शन क्या होगा? आफ्टर रिएक्शन क्या होगा? ये 0 हो जाएगा। HCl को कौन कंज्यूम करेगा? ये करेगा तो 0.1 माइनस 0.01 कितना आएगा? 0.09 मोल। और ये कितना आ जाएगा? 0.1 प्लस 0.01 कितना आएगा? 0.11 मोल आ जाएगा, ठीक है। तो नई सिचुएशन समझ में आ गया आपको अब? हाँ, पहले कितना था बफर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन? 0.1 है ना, क्योंकि आपने मोल मिलाया, वॉल्यूम के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो कॉन्सेंट्रेशन वही रहेगा या मोल में ही काम कर लो। तो आपको पता चला कि CH3COONa आफ्टर रिएक्शन नई कॉन्सेंट्रेशन क्या आ रही है? 0.09 मोलर। और CH3COOH की नई कॉन्सेंट्रेशन क्या आ रही है? 0.11 मोलर। नाउ यू कैन अगेन यूज द इक्वेशन pH=pKa+log salt/ एसिड। तो pH मिलाने के बाद, मतलब एसिड मिलाने के बाद pH का फॉर्मूला क्या बनेगा? pKa+log salt 0.09/0.11, ठीक है। सो दैट बिकम pH2=4.74 प्लस लॉग 9/11। ये दूसरा pH है। मैंने आपसे चेंज इन pH पूछा है, देखो बोर्ड पे मैंने आपसे चेंज इन pH पूछा है। तो चेंज इन pH क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, चेंज इन pH pH2 माइनस pH1, यही करते हैं आप लोग, बाद वाले में से पहले वाला माइनस करते हैं। तो pH2 कितना था? 4.74 प्लस लॉग 9/11, माइनस क्या होगा? 4.74। सो डेल्टा pH की वैल्यू क्या आ रही है? लॉग 9/11। लॉग 9/11 की वैल्यू नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी? नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो डेल्टा pH जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव आ जाएगा, है ना। एक मिनट, दैट इज आप क्या बोलोगे? दैट इज pH विल डिक्रीज। अगर चेंज नेगेटिव आया इसका क्या मतलब हुआ? pH में कमी हुई है। हाँ जी, हाँ आप बोलो बेटा। बन के आएगा ना CH3COONa, जब HCl से रिएक्ट करेगा तो ये बना के दे रहा है ना आपको। तो पहले कितना था आपके पास? तो फिर बन के आएगा ना, थोड़ा सा बना बन के कितना आएगा? जितना HCl कंज्यूम हुआ इसके 1 मोल से कितना बन के आ रहा है? 1 मोल। तो 0.01 मोल से कितना बनेगा? 0.01 मोल। और 0.1 अपने पास पहले से था,
ठीक है, तो बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन हुआ है ना, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना पहले दूसरे वालों में होता है ना। आपने तो डेफिनेशन में लिखा है कि वो रेजिस्ट करेगा चेंज। हाँ रेजिस्ट किया है, रेजिस्ट किया है, बाकी जैसे सोल्यूशन जैसे होते हैं ना वैसा नहीं किया इसने, है ना, इसने रजिस्ट किया है वास्तव में, चेंज इन पीएच को रजिस्ट किया है, थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, थोड़ा सा कम, क्यों कंज्यूम हो गया है ना, कंज्यूम हो गया, बाकी जगह आप मिला के देखोगे दूसरे में तो बहुत ज़्यादा चेंज करेगा, ये कंज्यूम हो गया, बाकी जगह कंज्यूम नहीं होगा ना, तो चेंज आएगा इस तरीके से। और एसिड ने कंज्यूम होकर एसिड ही बनाया हुआ है, बट ये क्या वीक वाला बना दिया है ना, बाकी जगह पे ऐसा हो सकता है NOH के साथ मिलाओ तो एसिड और बेस एक दूसरे को खत्म कर दे, है ना, या ऐसा नहीं हुआ, हाँ आगे पीछे कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे एसिड कंज्यूम हुआ तो एसिड ही बन के आ गया, 0.01 मोल स्ट्रांग एसिड खत्म हुआ है तो 0.01 मोल वीक एसिड बन के आ गया, तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट बैठ रहा है, तो रजिस्ट तो कर रहा है, उतना पीएच चेंज नहीं कर पाया जितना पीएच बाकी जगह हमें नॉर्मल कंडीशन में मिलता है, बट देयर इज सम चेंज इन पीएच आएगा, है ना उस तरीके से। हाँ ऐसा कोई कर दे कि यहाँ पे ऐसा कुछ कर दे 0.001 ऐसा मिला देता हूँ तब SCL करता हूँ, तो फिर क्या करोगे 0.1 के रिस्पेक्ट में, अगर आप यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ निगलेक्ट कर देना, यहाँ भी निगलेक्ट कर देना, तो ये कंसर्न नई वाली कैसी आ जाएंगी, सेम है पीएच इक्वल टू वही आ जाएगा, तो अगर आप एक आध ड्रॉप मिला रहे हो तब तो ही ना चेंज होगा, है ना, लेकिन अगर आप उसमें जाओगे नॉर्मल सोल्यूशन तो एक आध ड्रॉप भी हो सकता है चेंज कर दे, ठीक ठाक चेंज कर दे पीएच, है ना इस तरीके से। इसी क्वेश्चन को आप लोग रिपीट करोगे, अब आप ये एक क्वेश्चन मैंने किया है इस तरीके का, एक क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे मुझे, और वो है कि फाइंड चेंज इन पीएच व्हेन पॉइंट 0.01 मोल NOH इज एडेड, 0.01 मोल NOH इज एडेड, जब NOH में लाओगे तो NOH किससे रिएक्ट करेगा, हाँ एसिटिक एसिड से करेगा, रिएक्शन लिख लोगे, करा चुका हूं मैं रिएक्शन, आप लोग करिए इसको,